आर्मी के किसी जवान के लिए 26 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति से गार्ड ऑफ ऑनर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और ये सौभाग्य किसी बेहद खास जांबाज सिपाही को मिलता है। मेजर विक्रम खटाना उन्हीं जांबाज सिपाहियों में से एक थे। इसी के साथ मेजर विक्रम खटाना को वो वीर चक्र भी प्रदान किया गया, जो भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक होता है। और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाने के लिए मेजर विक्रम खटाना भारत के रक्षा मंत्रालय के मुख्य रक्षा सचिव के सामने मौजूद थे, जो उनसे कह रहे थे, तुम्हारी जांबाजी, तुम्हारी देशभक्ति और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने का तुम्हारा जज्बा देखकर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सिफारिश की है कि हम ऑपरेशन पाक साफ नाम के मिशन को तुम्हें सौंपें। मेजर विक्रम खटाना बहुत संतुलित शब्दों में बोले, थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। क्या मैं इस ऑपरेशन पाक साफ के विषय में कुछ जान सकता हूं? कुछ नहीं, सभी कुछ जान सकते हो। इतना कहकर मुख्य रक्षा सचिव ने एक फाइल मेजर विक्रम खटाना के सामने रखी और बोले, इस फाइल में ऑपरेशन पाक साफ से संबंधित हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके ब्लूप्रिंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन सरसरी तौर पर हम तुम्हें बता दें कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पाक साफ इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के जितने भी नापाक इरादे हमारे देश के विरुद्ध हैं, या तो उन सबका सफाया हो जाएगा या खुद पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। इस फाइल में मौजूद हर एक इंफॉर्मेशन कई बरसों की कड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद रॉ के एजेंट्स ने इकट्ठा की है। अगर हम यूं कहें कि इस फाइल में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो पाकिस्तान के लिए ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। मैं इस फाइल को तुरंत देखना चाहूंगा सर। इसीलिए तुम्हें यह फाइल दी गई है मेजर। इस फाइल को देखो, पढ़ो, समझो और बताओ कि इस फाइल में मौजूद इंफॉर्मेशन के बल पर पाकिस्तान पर हमला करने की तुम कौन सी और कैसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तुम्हारी स्ट्रैटेजी को देखने और सुनने के बाद ही आगे का प्लान बनाया जाएगा। इतना कहकर रक्षा सचिव उठते हुए बोले, इस फाइल को स्टडी करने में तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना आए इसलिए हम तुम्हें अकेला यहां छोड़े जा रहे हैं। जब आवश्यकता हो तो हमें बुला लेना। ये कहकर रक्षा सचिव बाहर चले गए। अंदर मेजर विक्रम खटाना अकेले रह गए। ऑपरेशन पाक साफ नाम की उस फाइल के साथ जिसका पहला पेज पलटते ही मेजर विक्रम खटाना की आंखें चमकने लगी। ना सिर्फ चमकने लगी बल्कि बार बार झपकने भी लगी, और जैसे जैसे उनके हाथ उस फाइल के पेजों को पलट रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखों के झपकने की रफ्तार भी तेज होती जा रही थी। अगले ही पल मेजर विक्रम खटाना के हलक से निकलकर एक छोटा सा कैप्सूल उनके दांतों में फंसा नजर आने लगा, और उसी के साथ मेजर विक्रम खटाना ने एक बार फिर ऑपरेशन पाक साफ की फाइल का अवलोकन करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो फाइल के पेज पलट रहे थे वैसे वैसे उनके दांतों में थमे कैप्सूल से कोई द्रव्य निकलकर फाइल के पेजों पर स्प्रे हो रहा था, और मेजर विक्रम खटाना की हरकतें बता रही थीं कि यहां कोई हंगामा होने वाला था। जबकि ठीक उसी समय जम्मू बेस हॉस्पिटल के सीएमओ के रूम में हंगामा हो चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं सीएमओ साहब, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? सीएमओ के सामने बैठे बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा हैरानी से बोल रहे थे। गलत फहमी मुझे नहीं आपको हुई है राणा साहब, सीएमओ बर्फ से सर्द शब्दों में बोला। पहली गलत फहमी तो यह कि मेजर विक्रम खटाना के रमेश खटाना नाम के जिस फादर के बारे में आप बता रहे हैं वो आपके पुलवामा आर्मी बेस पर कल रात पहुंचे थे। ये सही है कि रमेश खटाना जी हार्ट अटैक की थर्ड स्टेज पर मौजूद है और हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन 3 दिन से उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वे अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकते। वो हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में भर्ती हैं, तो फिर वो यहां से 244 किलोमीटर दूर पुलवामा मिलिट्री बेस पर कैसे पहुंच सकते हैं? ओह माय गॉड। और आपकी दूसरी गलतफहमी, जिस बेहोश मरीज को आप 60 वर्षीय रमेश खटाना के रूप में बेस हॉस्पिटल लाए हैं
उसकी उम्र असल में 30 साल है और मेरे ख्याल से वो रमेश खटाना नहीं बल्कि मेजर विक्रम खटाना नाम का उनका वो बेटा है जिसकी तस्वीरें मैं आजकल टीवी और अखबारों में देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? अब तो बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा अपनी सीट से ही उछल पड़े। सीएमओ आगे बोले, दैट्स रियलिटी मिस्टर राणा, आई एम वेरी श्योर वो मेजर विक्रम खटाना ही है जिसकी पीठ पर 2 ऐसी माइक्रो नीडल्स पाई गई हैं जिन पर जो केमिकल लगा हुआ है वो आदमी तो क्या हाथी को भी पलक झपकते ही बेहोश तो कर ही सकता है, साथ ही उसे कई दिनों तक होश आने से रोक भी सकता है। ओह माय गॉड, मेजर विक्रम खटाना यहां बेहोश है और उनके फादर रमेश खटाना आईसीयू में एडमिट है, तो फिर वो ओह माय गॉड। ये कहते हुए बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा मेज पर रखे हुए अपने मोबाइल पर चील की तरह झपटे। ठीक उसी समय दिल्ली के रक्षा मंत्रालय में, सर मैंने पूरी फाइल को रीड कर लिया है, आप इसे संभाल कर रख सकते हैं। रक्षा सचिव मेजर विक्रम खटाना से फाइल लेकर लॉकर में रखते हुए बोले, मैं हाई कमान से बात करके तुम्हें बताता हूं कि एक्शन कब से शुरू करना है। ठीक तभी मेज पर रखा मुख्य रक्षा सचिव का फोन घनघना उठा। मेजर विक्रम खटाना की नजर तेजी से उठकर फोन के स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर बेस कमांडर सुरेश राणा का नाम ब्लिंक हो रहा था, जिसे देखकर मेजर विक्रम खटाना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैरने लगी। अब इससे पहले कि रक्षा सचिव अपना फोन उठा पाते, मेजर विक्रम खटाना खड़े होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़े। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर रक्षा सचिव बोले, क्या हुआ मेजर? सर आपको शायद मालूम ही है कि मैं अपने पापा को किस पोजीशन में छोड़कर आया हूं। आपको देखकर मुझे अपने पापा की याद आ गई। मैं आपके पैर छूना चाहता हूं, इजाजत है? आई अंडरस्टैंड। और फिर तुम्हारे जैसा जांबाज सिपाही हमारे पैर छुए तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। थैंक यू सर। ये कहते हुए मेजर विक्रम खटाना रक्षा सचिव के पैर छूने के लिए उनके पैरों की तरफ झुकता चला गया। थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस से बाहर निकलते हुए रक्षा सचिव ने जब अपने ऑफिस के चारों ओर कमांडोज का घेरा देखा तो चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? तुरंत ऑफिसर ग्रेड का एक कमांडो भागता हुआ रक्षा सचिव के पास पहुंचा और पूरे सम्मान से बोला, हमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि हम गुप्त तरीके से आपके ऑफिस को चारों तरफ से घेर लें और किसी भी अनवांटेड व्यक्ति को इस ऑफिस से ना निकलने दिया जाए। ऐसा क्यों? सर आई डोंट नो, हमें जो कहा गया है वो हमने किया। ओह, तो तुमने हमारे ऑफिस को चारों ओर से घेर रखा है और किसी को भी तुम यहां से नहीं जाने दे रहे हो। हमें भी नहीं जाने दोगे? कैसी बात कर रहे हैं सर, आप कोई अनवांटेड पर्सन थोड़ा ही हैं, आप रक्षा सचिव हैं, आपको कौन रोक सकता है? अगर ऐसा है तो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, हमारे एस्कॉर्ट्स और हमारी गाड़ी बुलवाइए, हमें तुरंत रक्षा मंत्री साहब से मिलकर वापस यहां आकर यहां की सिचुएशन को समझना भी है और उसे संभालना भी है। अभी लीजिए सर। ये कहकर उस ऑफिसर ने एक तरफ दौड़ लगा दी। एक मिनट से पहले ही एस्कॉर्ट्स और उनके बीचों बीच घिरी रक्षा सचिव की स्पेशल बुलेट प्रूफ एंडेवर गाड़ी रक्षा सचिव के सामने आ पहुंची। अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठते हुए रक्षा सचिव ने अपने ऑफिस की तरफ ऐसे मुस्कुराकर देखा जैसे वो उसे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हों। रक्षा मंत्रालय के उस बड़े और विशेष मीटिंग रूम में इस समय रक्षा मंत्री स्वयं उपस्थित थे और उनके सामने मुख्य रक्षा सचिव रमन अग्निहोत्री और पुलवामा मिलिट्री बेस के बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा भी मौजूद थे। दोनों की हालत अपराधियों जैसी थी। इतने लोगों के वहां उपस्थित होने के बाद भी वहां पिन ड्रॉप साइलेंस छाया हुआ था। तभी रक्षा मंत्री राजकुमार सिंह की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा, मिस्टर सुरेश राणा, आप
पुलवामा मिलिट्री बेस के कमांडर चीफ हैं, और सबसे पहले आपका ही पाला उससे पड़ा था। आप ही शुरुआत करें और बताएं कि क्या हुआ था। संकोच भरे स्वर में पुलवामा मिलिट्री बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा ने मिलिट्री बेस में घटी एक एक घटना बताई और अंत में बोले, उसने जो किया वो एक दिन में नहीं हो सकता। उसने मेजर विक्रम खटाना की हर जानकारी को बड़ी बारीकी से ट्रेस किया था। साथ ही उसे इस बात की भी जानकारी थी कि मेजर विक्रम खटाना दिल्ली के लिए कब निकलने वाले हैं। तभी वो मेजर के फादर का रूप ठीक उस समय धरकर पहुंचा जब मेजर दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। अपने पापा से मिलने की खुशी में मेजर विक्रम खटाना भी धोखा खा गए और उन माइक्रोपिन का शिकार हो गए जो बेहोशी की दवा से भरी हुई थी। मेजर को बेहोश करने के बाद उसने अपने कपड़े मेजर को पहनाकर उसे मेजर के फादर का रूप दिया और मेजर के कपड़े स्वयं पहनकर और शानदार मेकअप के सहारे मेजर बनकर वो दिल्ली पहुंच गया। इसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। दिल्ली पहुंचकर उसने मेजर विक्रम खटाना के रूप में ना सिर्फ माननीय राष्ट्रपति से गार्ड ऑफ ऑनर लिया, बल्कि वीरता पदक प्राप्त करने के बाद ऑपरेशन पाक साफ की फाइल को भी रक्षा सचिव साहब से प्राप्त कर लिया। फिर गृह मंत्री रक्षा सचिव की तरफ पलटकर बोले, क्यों सचिव अग्निहोत्री साहब, ऐसा ही हुआ है ना? रक्षा सचिव रमन अग्निहोत्री ने थूक निगलते हुए जवाब दिया, जी मंत्री साहब, ऐसा ही हुआ। उस धोखेबाज ने हमारे विशेष ऑफिस के रूम में आराम से बैठकर ऑपरेशन पाक साफ की फाइल को स्टडी किया। फिर जब हमने उससे फाइल ले ली और हमारे फोन पर पुलवामा मिलिट्री बेस से राणा साहब की कॉल आई, तो उस कॉल को देखने के बाद वो हमारे पैर छूने के बहाने हमारे पास आया। फिर पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि हम बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। हमें मालूम है उसके बाद क्या हुआ। आपको बेहोश करने के बाद वो धोखेबाज आपके बेहोश शरीर को खींचकर आपके ऑफिस के बाथरूम में ले गया। वहां उसने आपके सारे कपड़े उतार कर आपको अच्छी तरह से बांध दिया और फिर आपके कपड़े पहनकर और आपका रूप धरकर वो आराम से वहां से निकल गया। पुलवामा मिलिट्री बेस से हमें पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए हमने आपके ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी को टाइट करवा दिया था और किसी भी अनवांटेड पर्सन को बाहर ना जाने का आदेश भी दिया था। जब वो खुद रक्षा सचिव के रूप में बाहर निकलने वाला था तो भला रक्षा सचिव को कौन रोकता। रक्षा सचिव बोले, जी सर यही बात थी, लेकिन इसमें अच्छा ये हुआ कि ऑपरेशन पाक साफ जैसी बेहद सीक्रेट फाइल उसकी चपेट में आने से बच गई। हमने उस फाइल को उससे लेकर अपने हाथों से स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया था। गुड, वेरी गुड। क्या हम उस फाइल को देख सकते हैं? जी क्यों नहीं सर, मैं उस फाइल को साथ लाया हूं। ये कहते हुए रक्षा सचिव रमन अग्निहोत्री ने ऑपरेशन पाक साफ की फाइल रक्षा मंत्री के सामने रख दी। रक्षा मंत्री ने कुछ देर फाइल को देखा और फिर उसे जोर से टेबल पर पटक कर बोले, ऑपरेशन पाक साफ की ये फाइल सीक्रेट अवश्य है, लेकिन ऐसा भी क्या सीक्रेट है कि एक अक्षर भी नजर ना आए। सर समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जवाब में रक्षा मंत्री दहाड़ उठे, जिसे आप ऑपरेशन पाक साफ की फाइल बता रहे हैं वो एक रद्दी कागजों के ढेर के सिवा कुछ नहीं है। मतलब ये कि इस फाइल में वे रद्दी कागज भरे हुए हैं जो एकदम कोरे हैं, उन पर एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए अपनी आंखों से। इतना कहकर रक्षा मंत्री ने फाइल को सभी के सामने उछाल दिया। जिसने देखा वो चकित रह गया। सचमुच फाइल का हर कागज कोरा था, किसी पर एक भी शब्द नहीं लिखा था। रक्षा सचिव तो ऐसे बोले जैसे उन्हें हैरानी का अटैक पड़ गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऑपरेशन पाक साफ की इस फाइल के सारे कागज कोरे कैसे हो सकते हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा सर। जवाब वहां मौजूद एक दूसरे सचिव ने खड़े होकर दिया, ये राइटिंग इरेजर स्प्रे का कमाल है सर,
हम अपने एजेंट्स को अक्सर ऐसे स्प्रे देकर रखते हैं। उस स्प्रे में जो केमिकल होता है उसे लिखे हुए कागज पर डालने के बाद वो केमिकल कागज पर लिखे हुए सभी अक्षरों को ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। ओ माय गॉड। ये कहते हुए रक्षा सचिव अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गए। ठीक तभी रक्षा मंत्री राजकुमार सिंह के फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने फोन रिसीव करके अपने कान से लगाया। उधर से कुछ कहा गया जिसे बहुत गौर से सुनने के बाद रक्षा मंत्री बोले, रक्षा सचिव जी के एस्कॉर्ट्स में जो कमांडोज तैनात हैं, यहाँ का हेड बता रहा है कि उनके साथ बहुत बुरी बीती है, और क्या बुरी बीती है उसे वो बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हेड ऑफ कमांडोज वहां पहुंचे और सभी का अभिनंदन करने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। रक्षा सचिव जी के रूप में जब हम उसे लेकर यहां से चले तो कुछ दूर जाकर अचानक उसने मुझसे कहा, गाड़ी को इंडिया गेट लॉन्स की तरफ ले चलो। लेकिन सर, हम तो रक्षा मंत्रालय जा रहे थे ना? हाँ, जा तो रहे थे, लेकिन वहां जाने से पहले हम एक बार ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश की कमांडो फोर्स कितनी ज्यादा चुस्त दुरुस्त है। मैं समझा नहीं सर, हेड ऑफ कमांडोज ने हैरानी से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, समझ जाओगे। गाड़ी इंडिया गेट के लॉन्स एरिया में ले चलो। उसकी बात मानकर मैंने सभी एस्कॉर्ट्स गाड़ियों को अपने पीछे इंडिया गेट लॉन्स में पहुंचने का आदेश दे दिया। वहां पहुंचने के बाद उसने मुझे और सभी कमांडोज को गाड़ियों से नीचे उतारकर एक कतार में खड़ा कर दिया और वो आदेश दिया, जिसे सुनकर मेरे साथ सभी कमांडोज हैरान रह गए। मैंने हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो तुमने सुना, तुम और सारे कमांडोज एक कतार में खड़े होकर यहां से लेकर विजय चौक तक, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। ये 1 किलोमीटर की दौड़ इसलिए है ताकि हम देख सकें कि हमारे कमांडोज कितने एक्टिव हैं। हेड ऑफ कमांडोज हिचकिचाते हुए बोले, सॉरी सर, क्या दौड़ लगाने के लिए ये समय सही है? हेड ऑफ कमांडोज की बात सुनकर वो गुस्से से गुर्राया, कौन सा समय सही है और कौन सा गलत, यह हमें मत समझाइए। वो कीजिए जो हमने कहा है, इट्स माय ऑर्डर। और फिर मरते क्या ना करते की तर्ज पर हम सभी कमांडोज ने उसकी बात मानी और 1 किलोमीटर की दौड़ लगाने निकल पड़े। जब तक हम दौड़ लगाकर वापस आए तब वहां कोई नहीं था। हम सभी हैरान थे कि यह हो क्या रहा है। तभी हेडक्वार्टर्स से मैसेज आया और हमें पता चला कि यह गड़बड़ हो गई है। इसमें तुम्हारे साथ बहुत बुरा गुजरने वाली क्या बात है, एक अधिकारी ने पूछा तो रक्षा मंत्री राजकुमार जवाब देने के लिए खुद बोल उठे, देश की सबसे सुरक्षित और ताकतवर कही जाने वाली ब्लैक कमांडोज फोर्स के जवानों को कोई भरी दोपहर में 1 किलोमीटर की दौड़ लगवा रहा है, भला इससे बुरी और क्या बात होगी। रक्षा मंत्री के सवाल ने सभी को सोचने के लिए विवश कर दिया था, जबकि रक्षा मंत्री ने अपनी बात फिर बड़ी गंभीरता से कहनी शुरू की, जो हुआ वो बड़ी ही प्लानिंग के साथ हुआ, जो किया गया वो पूरे तरीके से ठोक बजा कर किया गया। ये सब कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल की बात तो ये है कि जो किया एक शख्स ने किया, और अब सवाल ये है कि हमारी आर्मी को, हमारी इंटेलिजेंस को गुमराह करके हमें इतनी बड़ी चोट देने वाला वो शख्स कौन है। रक्षा मंत्री ने जो सवाल किया था वही सवाल वहां मौजूद हर शख्स के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। भारत की सीमा से दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में अमेजिंग मरहबा मरहबा किसी की तारीफ करने के जितने भी शब्द मौजूद थे उन सभी से आईएसआई हेडक्वार्टर्स का वो मीटिंग हॉल गूंज रहा था। किसी के साथ वो हॉल रह रहकर तालियों से भी गूंज रहा था और ताली बजाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शामिल थे। जब वो शोर शांत हुआ तो प्रधानमंत्री की आवाज वहां गूंजी, ना कहीं कोई गोली चली, ना ही खून का कोई कतरा बहा, फिर भी हमने हिंदुस्तान को इतनी बड़ी चोट दे दी, दिल भर नहीं रहा ये सब सुनकर, एक बार फिर सारी बातें सुनने की हमारी तमन्ना हो रही है।
आपकी तमन्ना सर आंखों पर वजीरे आला, ये कहते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आबिद जैदी ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। कब, कहां और कैसे क्या हुआ, मैं एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तफसील से बताता हूं। जिस दिन हिंदुस्तान के मेजर विक्रम खटाना नाम के सिपाही ने हमारे देश की सबसे खास और बड़ी चौकी को नेस्तनाबूद किया था, उसी दिन से हमने हिंदुस्तान को एक बड़ी चोट पहुंचाने का फैसला किया था, और उसके लिए हमने अपनी आर्मी के उस सिपाही को तैयार किया जिसे हम सुपर कॉप के नाम से जानते हैं, जिसका काम करने का अपना ही एक तरीका है, जिसका दुश्मनों को चोट देने का अपना ही एक स्टाइल है। हमने जब इस बारे में उससे डिस्कस किया तो उसने उस मेजर विक्रम खटाना को निशाना बनाकर हिंदुस्तान को जबरदस्त चोट पहुंचाने का प्लान बनाया। उसका सारा प्लान सुनकर हम दंग रह गए। हमने उससे हैरानी से कहा, यह तो शेर के मुंह में हाथ डालकर उसका गोश्त छीन लेने वाला काम होगा, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जवाब में वो पूरी तसल्ली देते हुए हमसे बोला, इंशाल्लाह हर हाल में कर पाएंगे, और ऐसा करके हम हिंदुस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारेंगे जिसकी गूंज उन्हें बरसों तक सुनाई देगी। लेकिन तुम अकेले ऐसा कैसे करोगे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए जनाब, सिर्फ मैं अकेला इस काम को अंजाम तक पहुंचा दूंगा। आप मुतमईन रहिए, मैं ना सिर्फ आपको ऑपरेशन पाक साफ के सारे ब्लूप्रिंट्स लाकर दूंगा, बल्कि उस सारे ऑपरेशन को ऐसा मटिया मेट भी कर दूंगा कि हिंदुस्तान फिर कभी उसके बारे में सोचेगा तक नहीं। अच्छा, तो क्या प्लान है तुम्हारा, और उस प्लान में तुम्हें हमारी क्या हेल्प चाहिए, ये बताओ। सच पूछिए तो मेरे दिमाग में अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जो मैंने सोचा है उसके जरिए मैं जल्द ही कोई ना कोई फूल प्रूफ प्लान बना लूंगा। पहले प्लान बन जाए फिर मुझे आपसे क्या हेल्प चाहिए वो भी बता दूंगा सर। इतना कहकर वो चला गया। 10 दिन बाद वो फिर कुछ तस्वीरों और नाम के साथ वापस आया और उन तस्वीरों को मेरे हाथ में थमा कर बोला, मुझे अपने मिशन में आपसे 2 कामों के लिए हेल्प चाहिए जनाब। पहली तो जो तस्वीरें मैंने आपको दी हैं उनके ऐसे फेस मास्क बनवा दीजिए जिन्हें कोई भी नकली साबित न कर सके, और दूसरा मैंने जो नाम दिए हैं उनकी पूरी लाइफ स्टोरी मुझे अवेलेबल करवा दीजिए, खासकर मेजर विक्रम खटाना की, क्योंकि हमारा मेन शिकार वही है। मैं चाहता हूं कि मेजर विक्रम खटाना की हर छोटी से छोटी जानकारी मुझे पता हो। हो जाएगा, तुमने जो 2 काम मुझे बोले हैं वो भी हो जाएंगे। और कुछ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस ये दोनों चीजें मुझे मुहैया करवा दीजिए और फिर आराम से बैठकर मेरे मिशन के सक्सेस का इंतजार कीजिए। और हाँ, एक और चीज कीजिए, आप हमारे हक में दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हमें अपने मिशन में कामयाब करें। आमीन, आमीन, आमीन। उसके बाद हमने सबसे पहले उसने जो तस्वीरें दी थी उसके मुखौटे बनवाने शुरू कर दिए, और फिर बहुत से एजेंट्स को हमने मेजर विक्रम खटाना की सारी लाइफ स्टोरी पता करने के लिए लगा दिया। जब विक्रम खटाना की सारी लाइफ हिस्ट्री हमारे पास आ गई तो हमने एक फाइल के रूप में उसे सौंप दी। उस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद वो कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर को विजिट करने के लिए चला गया, और जब वापस आया तो हमसे बोला, मैंने मेजर विक्रम खटाना को हिट करने का सारा प्लान बना लिया है जनाब, क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, हम तो तुम्हारे प्लान को सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। फिर उसने हमें अपना प्लान बताया। उसने बताया कि कैसे वो मेजर विक्रम खटाना के रमेश खटाना नाम के उस फादर के जरिए विक्रम खटाना तक पहुंचेगा जो जम्मू बेस अस्पताल में भर्ती है, और अपने प्लान पर काम करने के लिए उसने 25 जनवरी का वो समय भी तय किया जब पुलवामा आर्मी बेस पर सभी हिंदुस्तानी सिपाही पार्टी करने के मूड में होंगे और मेजर विक्रम खटाना दिल्ली जाने की जल्दबाजी में होगा। तभी प्रधानमंत्री ने पूछा, यानी जिन दिनों वो जम्मू और कश्मीर गया था उन दिनों वो ये सारी जानकारी लेकर आया था? आर्मी चीफ आबिद जैदी ने कहा, जी मोहतरम जनाब, जम्मू कश्मीर जाकर उसने ना सिर्फ ये जरूरी मालूमात हासिल की बल्कि साथ ही उस मालूमात की बदौलत अपने मिशन को कैसे अंजाम देना है इसका भी सारा रोड मैप बनाया। उसके बाद हम उसके मिशन की कामयाबी का इंतजार करने लगे।
और हमारा वो इंतजार उस दिन खत्म हुआ जिस दिन उसने ऑपरेशन पाक साफ की फाइल की सारी तस्वीरें हमें भेज दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोला, उसने ऐसा कैसे किया? आर्मी चीफ आबिद जैदी ने जवाब दिया, अपनी आंखों में लगे उन स्पेशल सॉफ्ट लेंसेज के कारण जो उसकी आंखों की पुतलियों में लगे हुए थे। वे लेंसेज असल में शक्तिशाली कैमरा थे जो उसके पलक झपकाते ही तस्वीरें ले लिया करते थे। उन्हीं कैमरों की वजह से हमें न सिर्फ ऑपरेशन पाक साफ नाम की फाइल में मौजूद हर प्लान, हर ब्लूप्रिंट की तस्वीरें मिली, बल्कि हिंदुस्तान के कई गुप्त ठिकानों की तस्वीरें भी मिल पाईं। ये सुनकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुंह से अपने आप तारीफ के कुछ शब्द निकल पड़े। उम्दा, बेहद उम्दा, आला। ये तो कुछ भी नहीं जनाब, आगे का वाक्या तो और भी ज्यादा दिलचस्प और उम्दा है। अच्छा, वो भी बताओ। ऑपरेशन पाक साफ की फाइल की फोटो हमें भेजकर और राइटिंग इरेजर केमिकल उस फाइल के हर पन्ने पर छिड़क कर जैसे ही वो हटा, वैसे ही हिंदुस्तानी रक्षा सचिव के फोन की स्क्रीन पर उसे पुलवामा मिलिट्री बेस के बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा का फोन आता दिखाई दिया। उसे देखते ही वो समझ गया कि गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वो रक्षा सचिव को अपनी बातों में उलझा कर उनके पांव छूने के लिए झुका। ऐसा करते हुए उसने उन माइक्रो पिंस को रक्षा सचिव के पैरों के गोश्त में पहुंचा दिया जो पलक झपकते ही हाथी तक को बेहोश करने की कुव्वत रखती थी। रक्षा सचिव को बेहोश करने के बाद उसने रक्षा सचिव का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया और उसके कपड़े पहनकर उसके जैसा हुलिया बनाकर उसी की बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर उसी के एस्कॉर्ट्स की सुरक्षा के घेरे में रहकर वहां से दूर निकल आया और फिर वहां के ब्लैक कैट कमांडोस को दोपहर में दौड़ लगवाने के चक्कर में उनकी आंखों में धूल झोंक कर पहले से ही बने अपने नकली पासपोर्ट की मदद से आराम से वापस पाकिस्तान आ गया। ये सब कुछ मंत्रमुग्ध से सुनते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोल उठे, कमाल है, मुझे तो ये सब किसी जेम्स बॉन्ड की मूवी की कहानी लग रही है। आर्मी चीफ आबिद जैदी बोले, जी मोहतरम जनाब, इसे जो भी सुनेगा कहानी ही कहेगा, लेकिन ये कहानी नहीं, हकीकत है, वो हकीकत जिसे हमारे एक सिपाही ने ही अंजाम दिया है। उस सिपाही का नाम क्या है? जी, हमारे उस जांबाज का नाम नबी अहमद शाकिर है। हम नबी अहमद शाकिर से मिलना चाहेंगे, उसके किसी ऐसे कारनामे के साथ जो हमें बता सके कि वो आसमान से उतरी कोई शख्सियत नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाला हम जैसा इंसान है। आर्मी चीफ आबिद जैदी मुस्कुरा कर बोला, अगर मोहतरम जनाब यही चाहते हैं तो उनकी तमन्ना पूरी होगी। नबी अहमद शाकिर मोहतरम जनाब से एक कारमसाज तरीके से आकर मिलेगा। पाकिस्तानी पीएम हाउस के बाहर जैसे ही वो मर्सिडीज कार आकर रुकी, वैसे ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी सतर्क नजर आने लगे। कार से जो हस्ती उतरकर बाहर सुरक्षाकर्मियों को नजर आई, उसे सबने बखूबी पहचाना, न्यूक्लियर मैन। एक सिक्योरिटी गार्ड ने जब सामने वाले का नाम बड़े ही सम्मान से लिया तो दूसरे ने पूछा, कौन न्यूक्लियर मैन? पहला बोला, वो जो सामने से आ रहे हैं, अपने देश के महान वैज्ञानिक मोहतरम जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद साहब। 1998 में इन्हीं की सदारत में बलूचिस्तान में हमारे देश ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तभी से इन्हें हमारे देश में न्यूक्लियर मैन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर मैन के नाम से मशहूर प्रोफेसर आतिफ रशीद नामक वो 60 वर्षीय व्यक्ति सिक्योरिटी ऑफिस के पास पहुंचकर बोला, वजीर आजम साहब से हमारी मुलाकात का वक्त मुकर्रर है, आप हमें जानते ही होंगे। जवाब में सिक्योरिटी चीफ के शब्दों में भरपूर सम्मान नजर आया। जी मोहतरम जनाब, पाकिस्तान में भला आपको कौन नहीं जानता, आप ही तो वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उन देशों के बराबर खड़ा कर दिया है जिनके पास परमाणु बम है। और मुझे मालूम भी है कि आज वजीर आजम साहब से आपके मिलने का वक्त भी मुकर्रर है और आप उस मुकर्रर वक्त से 3 मिनट पहले आ भी गए हैं। लेकिन हुजूर, बुरा मत मानिएगा, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से गुजरना ही होगा, प्रोटोकॉल है। न्यूक्लियर मैन आतिफ रशीद मुस्कुराकर बोला, प्रोटोकॉल्स और रूल्स किसी भी देश की शान होते हैं,
किसी को भी उनके खिलाफ जाने का कोई हक नहीं है, फिर चाहे वो पाकिस्तान का आम बाशिंदा हो या हम जैसा न्यूक्लियर मैन। आई विल फॉलो एवरी प्रोटोकॉल, आप अपना काम करें। शुक्रिया जनाब, इस जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम को पार करने के बाद प्रोफेसर आतिफ रशीद को प्रधानमंत्री के ऑफिस में उनसे मिलने के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर आतिफ रशीद का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खुशामदीद, खुशामदीद। हम आपके बहुत मशकूर हैं प्रोफेसर साहब, आप हमारे बुलावे पर हमसे मिलने यहां पहुंचे, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जवाब में प्रोफेसर आतिफ रशीद बेहद मनमोहक ढंग से मुस्कुराकर बोला, आपके इस्तकबाल का शुक्रिया वजीर आला, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम इस जर्रा नवाजी के काबिल हैं। कैसी बातें कर रहे हैं जनाब आप? आप तो हमारे देश के वो न्यूक्लियर मैन हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश के नाम का परचम बड़ी शान से लहरा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप हमारे इस्तकबाल के काबिल नहीं हैं? अगर हम न्यूक्लियर मैन होते तो ये बात हरगिज ना कहते। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने ये बात मुस्कुराकर और बहुत ही सहज ढंग से कही थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई बॉम्ब फोड़ दिया गया हो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के मुंह से हैरानी से लबालब भरे स्वर निकले, आप कहना क्या चाहते हैं हम समझे नहीं। सामने लगी स्क्रीन पर कैमरे के जो व्यूज नजर आ रहे हैं उनमें सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट वाले कैमरा को फुल स्क्रीन जूम करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। हैरत में डूबे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वैसा ही किया, और जैसे ही सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट का व्यू सामने की स्क्रीन पर पूरी तरह से जूम होकर नजर आया, वैसे ही वो हैरत से ऐसे उछला जैसे उसका पांव दहकते अंगारे पर पड़ गया हो। ये हम क्या देख रहे हैं? सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट पर तो न्यूक्लियर मैन जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और न्यूक्लियर मैन जनाब आतिफ रशीद आपसे फिक्स की गई अपॉइंटमेंट के लिए आ पहुंचे हैं, उसने कहा तो प्रधानमंत्री हैरानी से बोले। न्यूक्लियर मैन जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद एंट्रेंस गेट पर मौजूद हैं तो फिर आप, मेरा मतलब तुम कौन हो? वो बोला, बताऊंगा, बराए मेहरबानी पहले आप सिक्योरिटी एंट्रेंस गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को बताइए कि जो वहां मौजूद है वही असली प्रोफेसर आतिफ रशीद हैं। कहीं सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कुछ कह दिया तो न्यूक्लियर मैन की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। हैरानी के सागर में डूबा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वही करता चला गया जो उसे आदेश दिया गया, जबकि उन्हें आदेश देने वाला अपने चेहरे से प्रोफेसर आतिफ रशीद का चेहरा उतारने में व्यस्त हो गया। और अब जहां कुछ पलों पहले प्रधानमंत्री को अपने सामने 60 साल के प्रोफेसर आतिफ रशीद नजर आ रहे थे, वहीं इस वक्त उनकी जगह एक 28 साल का गठीले शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला नौजवान खड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे पर अभी भी एक शानदार मुस्कान अटखेलियां करती हुई नजर आ रही थी। कौन हो तुम? पलक झपकते ही सिक्योरिटी बेल बजाने के साथ ही प्रधानमंत्री ने सवाल दागा। जवाब में वो नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, वही जिससे मिलने के आप ख्वाहिशमंद थे, शाकिर, नबी अहमद शाकिर, प्रधानमंत्री के मुंह से स्वयं ही निकला। जी आली जनाब, नबी अहमद शाकिर। जवाब देते हुए उस नौजवान ने अपने सीने पर हाथ रखकर न सिर्फ सम्मान में अपना सिर थोड़ा सा झुकाया बल्कि एक तगड़ा सैल्यूट भी ठोका। ठीक तभी वहां हथियारबंद कमांडोज का एक पूरा जत्था आ पहुंचा। पलक झपकते ही उन सभी कमांडोज ने नबी अहमद शाकिर नाम के उस नौजवान को गन पॉइंट पर ले लिया, और अब वे कमांडोज कुछ और कर पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री की आवाज ने उन्हें रोक दिया। रिलैक्स एवरीबॉडी, इस नौजवान से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गलती से सिक्योरिटी बेल बज गई थी, आप सबका यहां पहुंचने का शुक्रिया, आप वापस जा सकते हैं। यह सुनकर सभी कमांडोज वापस लौट गए तो प्रधानमंत्री नबी अहमद शाकिर की तरफ पलटे। हमें याद आया, आर्मी चीफ आबिद जैदी साहब ने कहा था कि जब तुम हमसे मिलने आओगे तो ये बात भी साबित करोगे कि तुम आसमानी फरिश्ते नहीं हो,
और न्यूक्लियर मैन मोहतरम जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद के भेस में हमारे सामने आकर तुमने ये बात साबित भी कर दी। कैसे कैसे ये सब किया? अहमद शाकिर ने जवाब दिया, न्यूक्लियर मैन जनाब प्रोफेसर आतिफ रशीद साहब जितनी सादगी से रहते हैं उसके चलते उनके फिंगरप्रिंट्स और उनके दूसरे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को कॉपी कर लेना और उन्हें फिर से मैनिपुलेट कर लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, ये जान लेना थोड़ा मुश्किल जरूर था कि आज 10 बजे पीएम हाउस में उनकी आपके साथ एक बहुत ही अहम और सीक्रेट मीटिंग है, लेकिन मुश्किल काम को करने में मुझे बहुत मजा आता है आली जनाब, इसीलिए मैंने कल प्रोफेसर साहब का असिस्टेंट बनकर उनके मोबाइल का सारा डेटा ट्रैप कर लिया, जिससे मुझे आपकी और प्रोफेसर साहब की मीटिंग के बारे में पता चला और मैं आपसे यहां मिलने आ पहुंचा। मैं जानता था प्रोफेसर साहब अपने टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं और यह भी जानता था कि अगर मैं वक्त से बहुत पहले यहां आ पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड्स का मुझ पर शक हो जाएगा, इसीलिए मैंने अपने और प्रोफेसर साहब के यहां पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट के टाइम का फर्क रखा। काश आपके सिक्योरिटी गार्ड्स इन 3 मिनट के फर्क को नोट कर लेते तो मैं यहां कभी ना पहुंच पाता। वे नोट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तुम जैसे करिश्माई नहीं है, तुम जैसे शातिर दिमाग नहीं है, वो नबी अहमद शाकिर नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द उत्तेजना से भरा हुआ था। हमें तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। ठीक तभी प्रोफेसर आतिफ रशीद भी वहां आ पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रधानमंत्री प्रोफेसर आतिफ रशीद की तरफ पलटे और गर्म जोशी से बोले, खुशामदीद, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी मुलाकात पाकिस्तान के 2 नायाब हीरो से एक साथ हो रही है और इंशाअल्लाह आज की ये मुलाकात हमारे दुश्मनों के मंसूबों पर ऐसा पानी फेरेगी कि वे उसी में डूब मरेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर आतिफ रशीद से कहा, इसका नाम नबी अहमद शाकिर है और यह हमारी पाकिस्तानी आर्मी का एक जांबाज सिपाही है। प्रधानमंत्री चुप हुए तो प्रोफेसर आतिफ रशीद बोले, आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं वजीरे आला, वो जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स होगा, हमें फख्र है तुम पर नौजवान। आपको फख्र होना ही चाहिए मोहतरम जनाब, और उस समय तो आपका ये फख्र करोड़ों गुना और बढ़ जाएगा जब इसकी हेल्प से आपका सपना पूरा हो जाएगा। अब प्रोफेसर आतिफ रशीद बुरी तरह से चौंके, हमारा सपना पूरा करेगा ये नौजवान? क्या बात कर रहे हैं वजीर आला, आप शायद हमारे सपने के बारे में पूरा जानते नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री प्रोफेसर आतिफ रशीद की बात को काटते हुए बोले, हम आपके सपने के बारे में सब जानते हैं, और आज से नहीं जानते बल्कि तब से जानते हैं जब हमारे अब्बा हुजूर पाकिस्तान के वजीरे आला थे। आपके सपने यानी सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बारे में कई बार हमने अब्बा हुजूर के मुंह से सुना था। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी सरकार हमारे उस सपने को पूरा करने के लिए लाख कोशिशों के बावजूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। जानते हैं, ये सब जानते हैं, और यही सब जानते बूझते हुए हम कह रहे हैं कि इस नौजवान सिपाही के बल पर आप अपना 30 साल पुराना सपना पूरा कर सकते हैं। कमाल है, आखिर ऐसा क्या है इस नौजवान सिपाही में जिसके लिए आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं जनाब? प्रोफेसर आतिफ रशीद के सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की उत्तेजना कतई कम ना हुई। हम अब भी कह रहे हैं मोहतरम जनाब कि हम सब जानते हैं, लेकिन आप इस नौजवान सिपाही के बारे में नहीं जानते। ये करिश्माई है, खुदाई है, ये दुश्मनों के हौसलों को नेस्तनाबूद करता है, उनकी हिम्मत को तोड़ डालता है, उनके इरादों को मार देता है, और ऐसा करने के लिए ये ना तो खून का कोई कतरा बहाता है और ना ही किसी गोली बारूद का इस्तेमाल करता है, सिर्फ
दिमाग, सिर्फ अपने आला दिमाग की बदौलत ही ऐसा करता है। अपनी फौज का ये अकेला ऐसा नायाब सिपाही है प्रोफेसर साहब, जो अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ता है। वन मैन आर्मी, आप इसे वन मैन आर्मी कह सकते हैं। अब नबी अहमद शाकिर नाम के उस नौजवान सिपाही को प्रोफेसर आतिफ रशीद ने भी ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। क्या सचमुच ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं? जो हमने बताया है उससे भी ज्यादा करिश्माई, उससे भी ज्यादा शातिर, जिसका एक नमूना हमने अभी अभी अपनी आंखों से देखा। मैं आपको सारी बात बताता हूं, तब शायद आप इसके बारे में कुछ समझ पाए। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री ने नबी अहमद शाकिर के बारे में प्रोफेसर आतिफ को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सब जान लेने के बाद प्रोफेसर आतिफ रशीद की भी हालत प्रधानमंत्री जैसी ही थी। हैरानी के सागर में डूबते उतरते उन्होंने भी सामने सावधान खड़े उस नौजवान सिपाही से वो सवाल किया, तुमने बताया कि तुम मेरे असिस्टेंट इरफान मलिक बनकर मुझ तक पहुंचे, तुम ऐसा कैसे कर पाए? प्रोफेसर आतिफ रशीद के इस सवाल के जवाब में वो बोला, यह सब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने आपके असिस्टेंट इरफान मलिक के रूटीन की रेकी की तो मुझे पता चला कि इरफान मलिक आपका वो असिस्टेंट है जो आपके फोन और आपके डेली रूटीन को हैंडल करता है। उसी रेकी में मैंने ये भी जाना कि वो एक घंटा लंच के समय आपसे अलग रहता है, क्योंकि लंच करने के लिए वो पास ही के एक फेवरेट होटल में जाता है, जहां से वो एक घंटे से पहले वापस नहीं आता। आपको याद होगा प्रोफेसर साहब कि कल इरफान मलिक एक घंटा से 15 मिनट पहले ही वापस आ गया था। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने कहा, हाँ तो ये प्रोफेसर साहब कि कल 15 मिनट पहले आपके पास पहुंचने वाला वो शख्स आपका असिस्टेंट इरफान मलिक नहीं, बल्कि उसके भेष में आपका ये खाकसार था। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, बात गुस्ताखी भरी जरूर है जनाब, लेकिन सच बात यही है, मैं 15 मिनट पहले इरफान मलिक बन के आपके पास पहुंचा। जब तक आपके रियल असिस्टेंट के वापस आने का समय हुआ, मैं अपना काम करके वापस जा चुका था, क्योंकि आपके फोन को ट्रैप करके वापस लौटने में मुझे इतना ही वक्त चाहिए था। कमाल है, हमारे साथ ऐसा हुआ इसका गुमान तो हमें सपने में भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? माना कि आज के इस साइंस के जमाने में किसी का फेस मास्क बना लेना मुश्किल काम नहीं, लेकिन किसी का गेटअप, किसी के हाव भाव और किसी की आवाज, ये सब कैसे कर पाते हो? अल्लाह के फजल से और अपने हुनर से। मैं बचपन से ही स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट रहा हूँ। किसी की भी एक्टिंग कर लेने और एक बार किसी की आवाज सुन लेने के बाद हू बहु उसकी आवाज निकालने का गजब का हुनर अल्लाह ने मुझमें कूट कूट कर भरा है। बस इसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, और रही बात किसी के गेटअप को पा लेने की, तो ये तो और भी आसान है। आप देख ही रहे होंगे, टेक्निक की बदौलत मरियल हीरो भी अपनी 6-पैक वाली बॉडी मिनटों में बना लेता है, और एक मोटे पेट वाला हीरो 18 साल का नौजवान और 90 साल का बूढ़ा बन जाता है। ये तो कमाल है, और तुम उससे भी बड़े कमाल हो, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोला। आपने सही कहा जनाब, और इन सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह कमाल हमारे पास मौजूद है। इसीलिए हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये आपके सपने को पूरा कर दिखाएगा। आपकी दुआ रही तो ऐसा भी हो जाएगा। मतलब सीधा सा है मोहतरम जनाब, अल्लाह ने अपने फजल और कर्म से मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने वतन की खिदमत कर सकूं, और अगर आप जैसों की दुआएं मेरे साथ ना हो तो ऐसा हरगिज ना कर पाऊंगा। नबी अहमद शाकिर के इस जवाब ने प्रधानमंत्री और प्रोफेसर आतिफ रशीद को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। प्रोफेसर आतिफ रशीद बोले, शाबाश, हमें लगता है तुम वो काम कर पाओगे जिसे आज तक कोई भी पाकिस्तानी कर नहीं पाया, और वो काम हमारे सपने को पूरा करने वाला काम है। फिर प्रोफेसर आतिफ रशीद प्रधानमंत्री की तरफ पलटकर बोले, वजीर आजम साहब, क्या हम इस पर पूरी तफसील से बात कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। हम तो कब से इस बात पर बात करने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपका सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर वाला सपना पूरा हो गया तो हम ही वो वाहिद शख्स होंगे आपके सपने का जिसे भरपूर फायदा होगा। तब हम सारी दुनिया की आंख में डंडा कर सकेंगे और कोई भी हमारे सामने सिर नहीं उठा पाएगा। हम पाकिस्तान पर ही नहीं, सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में होगी सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर। और फिर प्रोफेसर आतिफ रशीद ने कहना शुरू किया, सन 1967 में हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जब पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तानी हुक्मरान तिलमिला उठे। उन्होंने उसी समय हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की अहद कर ली, और ऐसा करने की जिम्मेदारी उस समय के देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी को सौंपी गई। प्रोफेसर जरदारी ने जल्द ही सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन की नींव डाली और उस मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यह कोई एक दो दिन में हो जाने वाला काम नहीं था, मिशन बड़ा था तो उसमें वक्त भी बड़ा ही लगने वाला था। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को वक्त की कोई चिंता नहीं थी, उनकी दुनिया तो इसी उम्मीद पर कायम थी कि आज नहीं तो कल सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन पूरा होगा। प्रोफेसर जरदारी भी पूरी लगन से उस पर काम कर रहे थे। वे अपना 60% काम पूरा कर चुके थे कि तभी अचानक सन 1998 में उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान बहुत ही अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। उन्होंने तुरंत अपने हुक्मरानों से राब्ता कायम किया और उन्हें यह मशवरा दिया कि अगर हम हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण के तौर तरीके और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाएं, तो सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन को कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं। अपनी बात कहते कहते प्रोफेसर आतिफ रशीद एक पल के लिए रुके और नबी अहमद शाकिर से मुखातिब होते हुए बोले, हमारी सारी बातों को तुम ध्यान से सुन रहे हो ना? तुम्हारी समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी जी मोहतरम जनाब। गुड, अब आगे और भी ज्यादा ध्यान से सुनना, उसे और भी ज्यादा समझ लगा कर समझना, क्योंकि आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो स्पेशल ही नहीं बल्कि वेरी 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 स्पेशल है। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने दोबारा बोलना शुरू किया, जब प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी ने अपने हुक्मरानों को बताया कि भारत जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है वो बहुत ही अल्ट्रा टेक्नोलॉजी का है, अगर उस टेक्नोलॉजी और वे ऑफ वर्किंग के बारे में पता चल जाए तो हमारा सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन पूरा हो सकता है, तो उन हुक्मरानों ने प्रोफेसर जरदारी को ही उस हिंदुस्तान में होने वाले परमाणु परीक्षण का एक हिस्सा बनाने का प्लान बना लिया, और उस प्लान के तहत प्रोफेसर जरदारी को एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर बनाकर उसे हिंदुस्तान में प्लांट कर दिया। सब कुछ इतनी बारीकी और शानदार तरीके से हुआ था कि प्रोफेसर जरदारी को प्रोफेसर अभिनव चतुर्वेदी बनकर उस टीम में शामिल होने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई जो टीम परमाणु परीक्षण करने में जुटी हुई थी। उस टीम में शामिल होकर प्रोफेसर जरदारी बखूबी हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी और उनके काम करने के तरीके के ब्लूप्रिंट्स पाकिस्तान भेजने लगे, जिसकी वजह से हम सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन को तेजी से पूरा करने लगे। तभी नबी अहमद शाकिर ने बीच में टोका, यानी उस वक्त प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी की गैर हाजिरी में आपको सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन का हेड अपॉइंट कर दिया गया था? यस। ये कहकर प्रोफेसर आतिफ रशीद ने अपनी बात को जारी रखा, प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी यानी प्रोफेसर अभिनव चतुर्वेदी के द्वारा हिंदुस्तान से दिए जा रहे डायरेक्शंस की मदद से हमारा मिशन तेजी से पूरा हो रहा था, और उस वक्त वो मिशन 80% पूरा हो गया था। जब हमें वो कयामत ढा देने वाली खबर मिली, हिंदुस्तान के राजस्थान में मौजूद पोकरण नाम की जिस जगह पर वो परमाणु परीक्षण हो रहा था,
उस जगह ठीक परीक्षण से कुछ ही घंटे पहले प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी की पोल खुल गई और उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और हमारा मिशन अधूरा रह गया। वो कैसे? नबी अहमद शाकिर ने पूछा। देखो, एक्सपेरिमेंट की दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब माना जाता है जब उसका परीक्षण यानी टेस्ट कामयाब हो जाए। अगर परीक्षण कामयाब नहीं है तो किए गए एक्सपेरिमेंट को कूड़ा मान लिया जाता है। हमारा सपना, हमारा सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन भी फिलहाल कूड़े जैसा है, क्योंकि जिस हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे बनाया जा रहा था उसके परीक्षण की टेक्नोलॉजी हम नहीं जान पाए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को हम तक भेजने वाला गिरफ्तार हो गया। प्रोफेसर आतिफ रशीद अपनी बात कहकर चुप हुए तो प्रधानमंत्री बोले, ये बात तो आपने बता दी मोहतरम जनाब, अब बराए मेहरबानी ये भी बताएं कि आगे क्या हो सकता है, आगे हम क्या करें जिसकी बदौलत हम अपने सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर मिशन को कामयाब कर सकें। नबी अहमद शाकिर बोला, जी मोहतरम जनाब, मैं भी यही सुनने के लिए बेताब हूं। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने सुनाना शुरू किया। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी वैज्ञानिक यानी प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी के गिरफ्तार होने की बात को हिंदुस्तान ने पूरी तरह से दबा दिया और अपना परमाणु परीक्षण जारी रखा, जो बेहद सफल रहा। हमने उस परीक्षण को जानने की अपनी तरफ से हजारों बार कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, और तब हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया। आप बराए मेहरबानी उस रास्ते के बारे में बताएं। राजस्थान के पोकरण से जहां हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक और शहर मौजूद है जिसे श्री गंगानगर के नाम से जाना जाता है। उसी श्री गंगानगर की एक बेहद सुरक्षित जेल में हमारे प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी को कैद करके रखा गया है। अगर हम प्रोफेसर जरदारी साहब को उस कैद से निकाल कर पोकरण में उस जगह ले जाएं जहां परमाणु परीक्षण किया गया था, तो हमारा अधूरा काम पूरा हो सकता है। प्रोफेसर जरदारी की मदद से हम उस परीक्षण की सारी एक्टिविटीज को जान सकते हैं और उसकी बदौलत अपने सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन की कामयाब टेस्टिंग कर सकते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो परमाणु परीक्षण पोकरण में किया गया था, उसे किए हुए तो काफी अरसा बीत चुका है, इतने साल बाद अब हम कैसे उस परीक्षण की एक्टिविटीज को जान सकते हैं? देखो, जब भी कोई परमाणु परीक्षण या परमाणु बम ब्लास्ट होता है, वो अपने पीछे ऐसी हजारों निशानियां छोड़ जाता है जो कई 100 साल तक नहीं मिटती। ठीक वैसे ही जैसे जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बॉम्ब की तबाही की निशानियां हमें आज भी देखने को मिल जाती हैं। एग्जैक्टली, हम भी यही मिसाल देने वाले थे। वैसे तुमने ये मिसाल देकर ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी बात को बहुत तवज्जो और पूरा दिमाग लगाकर सुन रहे हो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जब परमाणु परीक्षण होता है तो वहां के एटमॉस्फेयर, वहां की जमीन, वहां के पेड़ पौधे, यहां तक कि वहां की मिट्टी में भी उसकी निशानियां पाई जाती हैं। अगर प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी को उस जगह पर ले जाया जाए तो वो अपनी काबिलियत से उन निशानियों को रीड करके बहुत साल पहले हुए परमाणु परीक्षण की टेक्नोलॉजी और वर्किंग स्टाइल को जान सकते हैं, और फिर हम उनकी मदद से अपने सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन की टेस्टिंग करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर के मालिक बन सकते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोला, यहां एक बात हम भी बता देना चाहते हैं। आज तक जितनी भी पाकिस्तानी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखा है। सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है, आज तक ये बात सिर्फ 3 ही शख्स को मालूम है। पहला, पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री, दूसरा प्रोफेसर आतिफ रशीद, और तीसरा हिंदुस्तान की जेल में बंद प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तानी सरकार को बहुत साल पहले ही इसकी भनक लग गई थी, इसलिए हिंदुस्तानी सरकारें हमारे मिशन को खत्म कर देना चाहती हैं। हालांकि अपनी लाख कोशिशों के बाद वो ऐसा कर नहीं पाए।
लेकिन फिर भी वो ये जान चुके हैं कि सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन के लिए प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी बहुत ही खास हैं। इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर जरदारी को हमेशा ऐसी टाइट सुरक्षा सिस्टम में रखा है जहां आज तक ना तो हमारा कोई एजेंट पहुंच पाया है और ना ही हमारी आर्मी का कोई सिपाही। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर नबी अहमद शाकिर मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, माफी चाहता हूं जनाबे मोहतरम, अब जानते हैं आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, नहीं, क्या तुम बता सकते हो? जी जनाब, माफी का तलबगार होते हुए बताऊंगा कि हदीसों में लिखा हुआ है कि हर काम को करने के लिए अल्लाह ने अपना एक बंदा तो पैदा किया ही है, साथ ही हर काम के होने का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है। हाँ, हदीस हमने भी पढ़ी है, हम ये जानते हैं। आप ये जानते हैं तो समझ लीजिए मोहतरम जनाब कि इस काम को करने के लिए अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया था वो आ गया है, और जो बंदा पैदा किया था वो नबी अहमद शाकिर के रूप में आपके सामने खड़ा है। हैरानी से प्रोफेसर आतिफ रशीद बोले, तुम इस काम को कर लोगे? करने वाला तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ जरिया बनूंगा, ऐसा जरिया जो सिर्फ प्रोफेसर आतिफ रशीद साहब के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर सपने को पूरा करेगा।